Hey guys, I'm Janvi और आज संडे का सबसे स्पेशल सेशन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैथ्स के लिए आए थे उसके लिए आई एम हियर एंड दिस इज मिस्टर सौरभ बोरा, जो बाय पैशन एक टीचर है एंड बाय प्रोफेशन ही इज बिजनेसमैन. लेकिन पढ़ाई का इतना पैशन बहुत बहुत रेयरली देखने मिलता है कि किसी को पढ़ाई के लिए इतना पैशन है कि वो अपने बिजनेस आवर्स को छोड़ के एवरी सिंगल डे सुबह 6:30 to 9:30 बच्चों को पढ़ाने जाते हैं. एंड ही स्टूडेंट्स इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, सीएस. एंड मैंने उनको जब पूछा था कि मैथ्स में आप कौन से बोर्ड को हेल्प कर पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि एनी बोर्ड, यहाँ तक कि पीएचडी स्टूडेंट्स को भी मैं हेल्प कर पाऊंगा. सो ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज सब्जेक्ट कि दैट इज द रीजन वाई ही इज अग्रीड एंड ही हैज़ बीन हेल्पिंग सो मेनी आउट. उन्होंने जो एक ग्रुप भी बनाया था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जिन्हें बहुत ज़्यादा डाउट्स थे और बहुत ज़रूरत थी, तो उनको लेकर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और वो उनको हेल्प कर रहे हैं मैथ्स के लिए. आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइज आर वेरी लकी कि आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं कि जो आउट ऑफ द वे जाके इतनी हेल्प कर रहे हैं. एंड आज भी ही हैज़ taken out his Sunday for all of us and thank you very much for that. और ये जो passion है बहुत बहुत inspiring है. मुझे लगता है कि काश मैं भी इतनी lucky होती कि मुझे आप मिले होते पहले मेरी exam के time पर. But hope that he solves all your doubts and we have some very good tips today. So do share the video हो सके उतने लोगों के साथ, क्योंकि benefit सबको मिलना चाहिए और नॉलेज जो है इट शुड फ्लो. सो अगर आप किसी और को देंगे सो इट विल बी अ गुड थिंग. ऐसा नहीं कि आपकी कॉम्पिटिशन बढ़ेगी. दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि डू शेयर विद पीपल. सो यस, ओवर टू सौरभ जी. हे गाइस, दिस इज सौरभ हियर एंड टुडे आई विल गोना गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ टू राइट योर बोर्ड पेपर एंड एनीवेज दैट हाउ टू डू नाइस प्रेजेंटेशंस. As well as one thing I would like to say that always never feel that bored in ये subject हमारे लिए बहुत ही boring है. हमेशा अपने subject को love करना सीखो. तो whenever you will love something then you will find it very interesting and easy. So सबसे पहले तो अपने को अपने subject को जो भी subject रहेगा, whether it is mathematics, बहुत लोग को लगता है mathematics बहुत hard है, mathematics बहुत tough है, हम लोग नहीं कर पाएंगे. पहले से ही fear होता है, पहले से ही मन में डर बना हुआ रहता है कि mathematics आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, trigonometry आएगा तो I will live in option. तो ऐसा कोई fear नहीं रखना है, किसी की बातों में आ नहीं जाना है कि trigonometry previous year के बच्चे लोग बोलते हैं trigonometry बहुत hard होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होता है. एंड हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही वो माइंड सेट कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सच में बहुत हार्ड होता है. हम लोग उसको स्टडी करने की भी कोशिश नहीं करते एंड सिंपली लिविंग द ऑप्शन. सो ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने सब्जेक्ट को हमेशा लव योर सब्जेक्ट. एंड जब ये सब्जेक्ट को लव करने लगोगे देन वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इट विल बी अ लाइक के बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, बहुत प्यारी चीज़ लग रही है. एंड द सम्स विल गो इन द फ्लो, मतलब एक फ्लो आता रहेगा, आपको कहीं बाहर नहीं करना है. लाइक पहला स्टेप करोगे उसमें से ही अपने आप दूसरा स्टेप्स आ जाएगा. सो दैट विल बी इन टोटली फ्लो. सो आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट को लव करना है सबसे पहले. सो बेसिकली टूडे आई थिंक दो दिन में SSC बोर्ड एग्जाम, जो स्टूडेंट लोग को बहुत बड़ा हाई टेंशन रहता है, दो दिन में शुरू होने वाला है. सो टुडे आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड एग्जाम है तो उन लोग के लिए फर्स्ट बोर्ड होता है लाइफ का. सो काफ़ी उन लोग को रहता है कि व्हाट टू डूज एंड व्हाट नॉट. तो उनके बच्चों लोग के लिए, SSC के बच्चों लोग के लिए सबसे पहले आई विल शेयर सम टिप्स के क्या करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ. तो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर देम टू गो फॉर द एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी एक टिप है कि उसको बोर्ड एग्जाम समझ के मत चल, टेक इट एज अ नॉर्मल एग्जाम एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ टेंशन. द थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. तो सबसे पहली टिप यही है कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. एंड आई एम स्टार्टिंग विथ के हाउ टू रिप्रेजेंट द थिंग्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ टू यूटिलाइज द हॉलीडेज बिटवीन बोथ ऑफ द एग्जामिनेशन. वो हॉलीडे के दिन पे क्या करना है, ये सारी जनरल से थोड़ी बातें करते हैं. एंड देन विल कम ऑन द CBSE 12th, जिसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं CBSE 12th मैथ्स. तो उनकी एग्जाम 20 मार्च, तो और 3 दिन की हॉलीडेज भी है वो लोग को. तो विल शेयर हाउ टू यूटिलाइज दोज 3 डेज. तो 3 दिन में कौन से टॉपिक्स करने हैं, कैसे करेंगे, तो थिंग्स सबसे इजीली
खत्म हो सकती है, तो विल सेव दैट ऑल्सो. तो सबसे पहले एसएससी बोर्ड से शुरू करें, जो आई थिंक 7 तारीख से ही आई थिंक शुरू हो रहा है इन नेक्स्ट 2 डेज. सो एसएससी बोर्ड के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है उससे शुरू करते हैं. सो सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि बोर्ड की एग्ज़ाम आपकी जब भी शुरू हो रही है उसके एक दिन पहले ही आपका एक किट रेडी होना चाहिए. और ये किट के अंदर आप लोगों को एटलीस्ट 5 to 6 पेन्स, और ये पेन भी कैसी होनी चाहिए, जेल पेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. जेल पेन अलाउड है लेकिन लिखना नहीं है उससे, कि जेल पेन से बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होता है कि जेल पेन से लिखेंगे तो हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छे आते हैं, जेल पेन के हैंड राइटिंग बहुत अच्छे दिखते हैं. लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी गिरती है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन स्पॉइल योर एंटायर पेपर. और सबसे बड़ा एक और डिसएडवांटेज है, जब भी आप जेल पेन से लिखोगे तो पहले पेज पे तो लिखा हुआ बहुत अच्छा दिखेगा, जब पेज टर्न करोगे तो उसकी इंप्रेशंस नेक्स्ट पेज पे उठाती है, और जब भी वो इंप्रेशंस के ऊपर आप लिखोगे तो इंप्रेशंस एंड द रियल राइटिंग दैट बोथ विल गेट कोइंसाइड विद ईच अदर एंड रीडेबल ही नहीं होता है. सो स्ट्रिक्टली बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, और बॉल पॉइंट पेन भी कैसा होना चाहिए, तो ओनली ब्लू कलर और ब्लैक कलर. रेड एंड ग्रीन कलर आर नॉट एट ऑल अलाउड. दे आर रेड एंड ग्रीन कलर्स आर फॉर द मॉडरेटर्स एंड चीफ मॉडरेटर्स और चीफ मॉडरेटर्स. तो रेड एंड ग्रीन कलर की इंक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है. और 4 या 5 पेन जो आपके पाउच में रहेगी वो भी ब्रांड न्यू पेन नहीं होनी चाहिए. बहुत लोग सोचते हैं एसएससी की एग्जाम में नई पेन से लिखेंगे. सो नई पेन लिखने में इतनी स्मूथ नहीं होती है. थोड़ा बहुत वर्कआउट किया हुआ जो पेन रहेगा, जिससे 5-6 पेज ऑलरेडी लिखे हुए रहेंगे, वो पेन क्या होती है, स्मूथ होती है. आप अपना पेपर बहुत ईजिली लिख पाओगे, एक फ्लो रिदम रहेगा लिखने के लिए. सो ऐसी पेन चूज करो जो थोड़ा बहुत जिसने लिख लिया हो, मतलब कि यूज की हुई थोड़ी बहुत पेन रहेगी. ऐसी 4 या 5 ब्लू या तो ब्लैक कलर की पेन आपको रखनी है. शार्पन की हुई पेंसिल, ये नहीं कि वहां पे जाके हम अपना समय बर्बाद करेंगे, वहां पे जब नीड पेंसिल का इस्तेमाल करना रहेगा तभी जाके शार्प करेंगे, ऐसा नहीं. शार्पन की हुई एटलीस्ट 3 पेंसिल आपको साथ में रखनी है, इरेजर एंड स्केल वगैरह, या तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है आपका मैथ्स के लिए तो उसको भी साथ में रखना है. सेकंड थिंग, बहुत सारे बच्चे लोग, जैसे कि आज मान लो कल इंग्लिश की एग्जाम है, हॉल टिकट जो होता है अपना, जो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू गेट इनसाइड योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल. सो हॉल टिकट जो होता है उसको क्या करते हैं, इंग्लिश की एग्जाम है तो पढ़ते पढ़ते हॉल टिकट को इंग्लिश की बुक के अंदर रख दिया, फिर तो वहाँ तक तो ठीक है, इंग्लिश की एग्जाम दे के भी आ जाते हैं. फिर मान लो दूसरे दिन आपकी हिंदी की एग्जाम है, फिर इंग्लिश की किताब निकाल के रख देते हैं और हॉल टिकट भी इंग्लिश की किताब के साथ ही चली जाती है. सो क्या करना है, हॉल टिकट जो रहेगा उसको आपके ट्रांसपेरेंट पेज जो होता है, जिसका सपोर्ट लेके आप राइटिंग करते हो, उसी के अंदर आपको साथ में हमेशा अटैच करके रखना हुआ है, उसको अलग अलग किताबों के अंदर मत रखिएगा. सो हॉल टिकट जो रहेगा दैट शुड बी स्ट्रिक्टली स्टिक टू योर पेज. और साथ में व्हाट आई विल एडवाइज दैट हॉल टिकट कि एटलीस्ट 2 कलर जेरोक्स साथ में रखना, एक अपने घर पे और एक अपनी बैग के अंदर. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हॉल टिकट भूल गए, तो इसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं एक एग्जाम को बैठने के अंदर एक चांस मिल सकता है. सो बेटर एक या दो कलर जेरोक्स कॉपी हमेशा अपने साथ कैरी करना हॉल टिकट की. और देन नाउ आई एम कमिंग हाउ टू राइट दी पेपर एंड हाउ टू स्टिक दी बारकोड लेबल, हाउ टू स्टिक दी होलोग्राफ स्टिकर एंड ऑल दैट. सो कमिंग ऑन दी रिप्रेजेंटेशन पार्ट नाउ, सो बेसिकली दिस इज दी सिंपल स्पेसिमेन पेपर ऑफ दी बोर्ड एग्जामिनेशन. सो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह होता है आपकी आंसर शीट का, जिसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बारकोड के लिए एक स्पेशल जगह रखी गई है, बारकोड स्टिकर के लिए. और यहाँ पे जो आप ये स्क्वायर देखोगे वो दैट इज द स्पेस फॉर होलोग्राफ स्टिकर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो सेंटर नंबर रहेगा, जो आपकी हॉल टिकट के भी प्रिंटेड रहेगा और एग्जामिनेशन सेंटर के भी पास भी लिखा रहेगा, तो वो सेंटर का जो नंबर रहेगा वो आपको लिखना है. फॉर एग्जांपल योर सेंटर नंबर इज 1, 2, 3, 4, सो यू हैव टू राइट योर 1, 2, 3, 4 सेंटर नंबर. उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आएगा कि आपका सीट नंबर लिखना है, तो सीट नंबर के लिए यहाँ पे आपको दिया है इन फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल इफ योर सीट नंबर इज A190253, देन यू हैव टू राइट A190253 सीट नंबर इन फिगर एज वेल एज सीट नंबर इन वर्ड्स. यहाँ पे उसके बाद आपको आपके जो एग्जामिनर्स रहेंगे उनकी सिग्नेचर्स लेनी है,
सॉरी एग्जाम सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपनी खुद की सिग्नेचर करनी है और यहाँ पे आपके एग्जामिनर रहे हैं उनकी सिग्नेचर लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आएगा आपका क्वेश्चन पेपर सेट कोड। लैंग्वेजेस के पेपर में कभी कभार होता है कि सेट ए बी सी डी ऐसे चार सेट होते हैं, तो आपको जो भी सेट मिलेगा, मान लीजिए आपको सेट नंबर बी मिला है तो यू हैव टू राइट बी ओवर हियर। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आएगी सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज मैथ्स, देन यू हैव टू राइट मैथ्स पेपर वन और टू, पेपर वन टू, देन डेट, देन मेन थिंग इज लैंग्वेज ऑफ आंसर। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग द मराठी पेपर, सो आई नीड नॉट हैव टू राइट मराठी ओवर हियर, मेरे को यहाँ पे मराठी नहीं लिखना है। इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन यू हैव टू राइट इंग्लिश, इफ यू आर फ्रॉम गुजराती मीडियम यू हैव टू राइट गुजराती। सो हियर लैंग्वेज ऑफ आंसर विल बी हैविंग द लैंग्वेज इन विच यू आर स्टडिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यू आर राइटिंग। मतलब अगर आप मराठी का पेपर भी लिख रहे हो लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन यू नीड टू राइट इंग्लिश ओवर हियर। देन मेन आंसर बुक दैट इज दिस वन एंड प्लस नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स यू आर टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यहाँ पे मेन आंसर के बाद में दो नई सप्लीमेंट ली है तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, यू हैव टू राइट थ्री ओवर हियर। Then the next thing is specific remarks of center conductor regarding malpractice in reading. ये आपको ना तो खुद को भरना है और प्रे करना है कि ना ही कोई एग्जामिनर आके ये भरता है, क्योंकि ये होता है कि आप अगर एग्जाम में कोई भी मिसबिहेवियर करते हो तो यहाँ पे रेड इंक से आपको नेगेटिव मार्किंग्स दी जाती है। तो आपको प्रे भी करना है कि आपको खुद को भी नहीं भरना है और ना को कोई एग्जामिनर इसको आके भरे आपके लिए, तो ये चीज़ खाली ही रहने देनी है। और ये सारी चीज़ एग्जामिनर्स मॉडरेटर्स एंड चीफ मॉडरेटर्स के लिए रहती है, तो इसको भी खाली ही छोड़ना है। नाउ कमिंग टू द बारकोड, जहाँ पे बारकोड लेबलिंग है, बारकोड विल बी समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे बारकोडिंग होता है और यहाँ पे आपका सीट नंबर, यहाँ पे बारकोडिंग होता है और यहाँ पे आपका सीट नंबर वगैरह लिखा रहता है। तो जब भी आपको बारकोड मिलेगा यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट बारकोड ऑफ योर सीट नंबर, कहीं आगे पीछे वाले का बारकोड नहीं मिल रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही बारकोड आपको मिलेगा यू हैव टू स्टिक योर बारकोड हियर, there is one dotted line here and dotted line here also, the informations, all the informations should go left hand side, वो left hand side पे होनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो dotted line barcode पे बनी हुई है और जो dotted line यहाँ पे answer sheet पे बनी हुई है, both should coincide with each other and that way you have to stick the barcode label in the particular space like this। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट थिंग इज़ द होलोग्राफ स्टिकर। ये होलोग्राफ स्टिकर होता है, उसको आपको यहाँ पे ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर लगाना है। अगर आप देखोगे तो होलोग्राफ के अंदर दो एरोज बनाए हुए हैं, तो ये दो एरोज रहेंगे वो स्ट्रिक्टली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाने चाहिए। आपको अपना बारकोड उल्टा नहीं लगाना है, ये जो दो एरोज रहेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड जाने चाहिए। सो इन दैट वे यू हैव टू स्टिक द बारकोड लेबल, और बारकोड लेबल जब भी आप लगाओगे तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बारकोड के नीचे चली जाएगी। मतलब कि नाउ सिर्फ बारकोड विजिबल रहेगा, कोई भी आपका पेपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ बारकोड स्कैनर से ही आपका पेपर आइडेंटिफाई होगा। सो इन दिस वे एरो शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दिस वे यू हैव टू स्टिक योर बारकोड लेबल, सॉरी होलोग्राफ स्टिकर। सो नाउ यू आर ऑल सेट टू गो फॉर द राइटिंग पार्ट एंड होलोग्राफ एंड बारकोड बोथ आर रेडी। Now your any kind of identity is not revealed at all, आपकी सारी identity holograph के नीचे जा चुकी है। अभी बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको एक habit होती है कि paper शुरू करने से पहले वो लोग अपने paper के ऊपर ऐसे कुछ इस तरह से marking लिखते हैं, श्री, या तो लिखते हैं ओम, या तो फिर लिखते हैं 786। So such type of suspicious activity is not at all allowed in board examinations. This is the identity revealing activity. ये activities board examination में बिल्कुल भी allowed नहीं है। It is very much proudable thing that you are believing some supernatural power, and बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने भगवान को याद करते हो, लेकिन उसको बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर पे लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको जितना भी भगवान का नाम लेना है वो आप अपने मन में ले लीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर पेपर, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल अलाउड टू रिवील एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी बाय राइटिंग सच थिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ दी
वेरी फर्स्ट पेज एंड यू हैव टू टेक बारकोड एंड होलोक्राफ्ट एंड फिल ऑल सच डिटेल. और एक चीज़ ध्यान में रहे, जैसे कि कभी ज्योग्राफी की एग्ज़ाम होती है या तो मैथ्स की एग्ज़ाम होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैप लेते हैं, इंडिया का मैप या तो वर्ल्ड मैप, या तो जब भी मैथ्स की एग्ज़ाम होती है वहाँ पे हम ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर या तो मैप हम लोग ये इस हिसाब से फिल कर लेते हैं, मतलब कि आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है इज़ इंडिया का मैप और इसको हमने फिल कर लिया, यहाँ पे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और हमारा आंसर ख़त्म कर लिया. और बहुत सारे बच्चे लोग इसको ट्राई भी करते हैं, लेकिन इसको एक सेपरेट सप्लीमेंट कंसीडर करना है. अ ग्राफ पेपर और एनी काइंड ऑफ मैप इज टू बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट सप्लीमेंट. मतलब कि अगर आपका ये मेन आंसर सीट हो गया, उसके बाद में मान लो मैंने और एक सप्लीमेंट लिया हुआ है और एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है, इट सिंपली मीन्स हियर आई विल राइट 1+2=3, बिकॉज मेरे को अपना ये जो मैप है उसको भी एक सिंगल सप्लीमेंट काउंट करना है. सो यहाँ पे ये लिखते वक्त बहुत सारे बच्चे 70-75% ऑफ स्टूडेंट डूइंग मिस्टेक के इसको एक अलग सप्लीमेंट कंसीडर करना भूल जाते हैं, 1+1=2 लिख के चले आते हैं, लेकिन नाउ दिस विल बी 1+2 एंड दैट विल बी 3. सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपका जो ग्राफ पेपर रहेगा या तो फिर आपका जो मैप रहेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल सप्लीमेंट, वो एक सप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेजेस, सो बोल रहे यहाँ पे ये स्पेसिमेन पेपर में ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये जो मेन मार्जिन है उसके अंदर एक छोटी सी लाइन बनाई हुई है. बोर्ड के पेपर में ऐसी लाइनिंग आपको नहीं दी रहेगी, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको जब भी ये मार्जिन रहेगी उसके अंदर एक छोटा सा ऐसा अलग से एक मार्जिन क्रिएट करना है. यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड है लेकिन बोर्ड में आपको ये प्रिंटेड मार्जिन नहीं मिलेगी, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू कि अपना जो मार्जिन रहेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है. ये मार्जिन को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, उसके बाद में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको फिर से एक मार्जिन बनाना है. ऐसा थ्रू आउट द पेपर करना है आपको कि यहाँ पे ये मार्जिन बनाया एंड राइट हैंड साइड में अगेन अ मार्जिन. यहाँ पे ये मार्जिन ऑलरेडी प्रिंटेड है लेकिन वहाँ पे बोर्ड पेपर्स में आपको मार्जिन प्रिंटेड नहीं रहेगी. यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन हियर लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. नाउ अभी यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे लोग को मैं देखता हूँ कि वो इम्प्रेशंस में होते हैं कि मार्जिन को बड़ा बना दे, मार्जिन को इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, दे ड्रू लाइक के मार्जिन जो राइट हैंड साइड पे रहती है उसको इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन बनाते हैं. वो लोग इम्प्रेशंस में होते हैं कि मार्जिन जितनी बड़ी बनाई फिर इतना छोटा सा स्पेस में लिखेंगे तो हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स भरेंगे. सो सच थिंग विल नॉट हेल्प यू. आफ्टर ऑल आपने जो कंटेंट लिखा रहेगा वही आपको हेल्प करेगा. नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स चाहे आप 8 भर लो या 10 भर लो, उसके अंदर का लिखा हुआ कंटेंट रहेगा वही आपको हेल्प करेगा. और ये मार्जिन भी क्यों होती है उसके पीछे एक रीज़न है. तो रीज़न क्या है, तो आपको आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रश्न क्रमांक इट मींस क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल नाउ अभी मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला उसके अंदर है क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आई विल राइट क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 का मान लो आपके पास दिया हुआ है ए बी सी और ए के अंदर भी 3 क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन 1 का ए दैट आई हैव टू राइट दिस साइड, ए का फर्स्ट दैट आई हैव टू राइट दिस साइड. सो क्वेश्चन बेसिकली व्हाट हाउ आई विल राइट दैट क्वेश्चन 1 ए फर्स्ट. Then I will write my answer. And then I will start with question 1, A and second. Then again I will write my answer. And then after completing that answer, I will start question 1 ka A ka third. And so on I will write. अभी ये मार्जिन का लेफ्ट हैंड साइड की मार्जिन का तो आपको पता चल ही गया कि आपको यहाँ पे क्या करना है. तो जो दो पार्ट में डिवाइड किया है तो लेफ्ट हैंड पार्ट में हम लोग को क्वेश्चन 1 का ए है बी है और ए के सब क्वेश्चंस जो भी रहेंगे 1, 2, 3 वो राइट हैंड साइड की मार्जिन में लिखने हैं. तो यहाँ पे ये वाली जो मार्जिन रहेगी राइट हैंड साइड वो क्यों होती है, बेसिकली कभी कभार हम लोग मान लीजिए कि 3 सप्लीमेंट भरते हैं तो 3 सप्लीमेंट भरने के बाद हम लोग जब उसको टाई कर देते हैं तभी यहाँ का जो व्यू होता है वो ब्लॉक हो जाता है. यहाँ का व्यू जो ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिनर को अच्छे से दिखेगा नहीं, तो उसके लिए वो प्रॉपरली विजिबल हो ये व्यू ब्लॉक हो जाने की वजह से हम लोग यहाँ पे मार्जिन कर देते हैं, मतलब दिस इज द बाउंड्री लाइन और इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे. सो ये मार्जिन का पर्पस ये होता है कि हमने यहाँ का व्यू ब्लॉक हो जाने की वजह से हमने उसको बाउंड्री एज अ बाउंड्री कंसिडर कर लिया है. हम लोग को वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है. सो बेसिकली मार्जिन का पर्पस सिर्फ इतना ही होता है. सेकेंड थिंग
जब हम मैथ्स का पेपर करेंगे, बहुत सारे बच्चे लोग मार्जिन के अंदर रफ वर्क करते हैं. सो रफ वर्क इन मार्जिन दैट विल नॉट, आई विल नॉट से नॉट अलाउड, बट आपका पेपर एकदम से गंदा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, क्लीन नहीं दिखेगा. सो बेसिकली व्हाट आई विल से कि रफ वर्क को आप हमेशा मैथ्स के अंदर लास्ट पेज पे रफ वर्क ऐसा आप लेबल करो लास्ट पेज पे, और रफ वर्क लास्ट पेज पे ही आपको शुरू करना है. अभी रफ वर्क नॉर्मली बहुत सारे लोग करते हैं कि सब उसके अंदर मिक्सिंग होता है. व्हाट आई विल सजेस्ट, रफ वर्क करो, लेकिन एक छोटा सा, इट विल हार्डली स्पॉइल योर वन सेकेंड. तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन वन ए का सेकंड का रफ वर्क कर रहा हूँ, तो मैं रफ वर्क को भी नाम दे दूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन वन ए सेकंड. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कैलकुलेशंस किया और मेरे को आंसर मिला 3579, आंसर उसका ये आया मेरे को, मैंने ये रफ वर्क यहाँ पे किया. अभी यहाँ से देख के जब मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया 3597. होता है कभी कभी मिस्टेक, यहाँ से 357 जस्ट फ्लिप ऑफ डिजिट हो गया है यहाँ पे, तो ऐसा मिस्टेक हो गया. सो जब भी आपका रफ वर्क भी इतना नीट रहेगा, एग्जामिनर वाइल चेकिंग द पेपर वाइल ही और सी विल कम टू नो के हाँ आंसर तो इसको सही से आता है, सिर्फ इसने लिखने में गलती किया है. सो हो सकता है आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए और आपका जो आधा मार्क सिर्फ डिडक्ट होना चाहिए था वो ना भी हो. तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो भी रफ वर्क तो ऐसे भी कर ही रहे हो, सो आपको उसको प्रॉपर एड्रेस कर देना है कि ये इसका रफ वर्क है. नेक्स्ट रफ वर्क शुरू करो, जैसे कि क्वेश्चन टू का थ्री. तो ऐसे रफ वर्क्स को आपको क्या करना है, एड्रेसिंग कर देना है. तो हो सकता है कि आपको कहीं पे उसका बेनिफिट मिल जाए. तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा रफ वर्क तो ऐसे भी हो ही रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना है, तो आपने सिर्फ उसको एड्रेस किया हुआ है. सो वो ज़्यादा आपका टाइम स्पॉइल भी नहीं करेगा और रफ वर्क का आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, चांसेस हो जाता है कि कहीं आपको बेनिफिट मिल जाए. अभी बहुत से बच्चे लोग ये इंप्रेशंस में होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वन शुरू कर दिया. अभी क्वेश्चन वन के अंदर दिया हुआ है सॉल्व एनी सिक्स, Solve any 6 out of 8. अभी 8 के 8 आते हैं भाई मेरे को, तो हम तो देख के ही खुश हो गए कि हाँ आई नो इच एंड एवरीथिंग, आई नो इच एंड एवरीथिंग. और वो इंप्रेशन में वो 1 भी सॉल्व करते हैं, 2 भी सॉल्व करते हैं, 3 भी करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 सबके सब सॉल्व करते हैं. दे हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को 6 के 6 आते हैं, 8 के 8 आते हैं, तो वो लोग 8 के 8 सॉल्व भी कर देते हैं. अभी बेसिकली मिलने तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से इसके 12 ही मार्क है, चाहे आप 8 सॉल्व करो या चाहे आप 6 सॉल्व करो. सो व्हाट आई विल से कि सबसे पहले आपको जो 6 अच्छे से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, पांचवा आता है, मेरे को चौथा नहीं आता है अच्छे से, पांचवा आता है, एंड देन मेरे को सातवां आता है मान लीजिए कि, और आठवा भी कर दिया मैंने, ये 6 मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिए, फर्स्ट सेकंड थ्री फोर्थ को मैंने स्किप किया हुआ है और सिक्स को स्किप किया हुआ है. मान लीजिए मेरे को आता भी है तो भी मैंने स्किप जो 6 अच्छे से आते हैं उसको कर दिया. अभी आपको क्या करना है, तो जो स्किप किया उसके लिए जगह छोड़ देनी है, जैसे कि फोर्थ के लिए एंड सिक्स के लिए अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ देनी है वहाँ पे. अगर आप ये शुरू में ये सारे ऑप्शंस के साथ करोगे तो हो सकता है कि पीछे आपका बाकी का पेपर छूट जाए. तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसके लिए जगह छोड़ देनी है. देन सेकेंड थिंग कि यहाँ पे अभी मेरे को क्वेश्चन टू शुरू करना है. सो ब्रांड न्यू क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन वन का ए बी सी, दैट इज क्वेश्चन वन ओनली, बट वॉट इज ब्रांड न्यू क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन टू, ऑलवेज ऑन न्यू पेज. मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन वन खत्म भी हो गया, इतनी स्पेस आपके पास बची हुई भी है, हाफ ऑफ द पेज आपका ऐसे भी बाकी भी पड़ा रहेगा, देन ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू क्वेश्चन. व्हाट इज द ब्रांड न्यू क्वेश्चन? सो क्वेश्चन टू इज द ब्रांड न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री इज द ब्रांड न्यू क्वेश्चन, दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज. इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन वन ए कैन फॉलो दिस, क्वेश्चन वन बी कैन फॉलो दिस, क्वेश्चन वन सी कैन फॉलो दिस, बट श्योरली क्वेश्चन टू शुड बी ऑन स्ट्रिक्टली नेक्स्ट पेज. मतलब कि आपका क्वेश्चन टू जो रहेगा वो हमेशा नेक्स्ट पेज से ही शुरू होना चाहिए. तो ये चीज का आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो भी नया क्वेश्चन रहेगा, दैट शुड बी ब्रांड न्यू क्वेश्चन रहेगा, वो आपका नए पेज से शुरू होना चाहिए. अभी दूसरी एक चीज आप लोग के साथ शेयर करनी है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई डायग्राम बना रहे हो, कहीं पर आपको कोई डायग्राम आ गया, साइंस का पेपर है, जैसे कि आपने कोई भी एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है. सो डायग्राम को आप एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए ऑलवेज एक बॉक्स के अंदर बना दीजिए, डायग्राम के आजू बाजू एक बॉक्स क्रिएट कर दीजिए. सो ये बॉक्स के अंदर आपका डायग्राम आ गया. उसके बाद में जब भी लेबलिंग करोगे आप,
तो लेबलिंग कहीं पे ऐसा कोई लेबल यहाँ पे जा रहा है, कोई नाम यहाँ पे जा रहा है, ऐसा नहीं. लेबलिंग शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन वन साइड. जैसे कि ये लेबलिंग मैंने किया यहाँ पे इसका लेबलिंग किया. मान लीजिए ये कोई चीज़ का लेबल करना है तो व्हाट आई विल डू हियर ओनली. मतलब कि लेबलिंग जो होता है वो एक साइड पे रहने पे, और मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी डायग्राम है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई, सो आई विल राइट ह्यूमन आई. सो डायग्राम जो भी आप बनाओगे तो उसको एक ध्यान में रखना है कि वो एक बॉक्स के अंदर रहेगा, लेबलिंग जो भी रहेगी वो एक ही साइड पे रहेगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डायग्राम्स ऑलवेज पेंसिल से ही बनानी है, और डायग्राम के लेबलिंग भी होंगे वो पेंसिल से ही लिखने हैं. मतलब उसके अंदर आप पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिएगा. तो जो पेंसिल से आप लिखोगे वो पूरा पेंसिल से, बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं कि जिसके अंदर अलग अलग कलर की पेन से बाद में उसको अंडरलाइन करते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी कलर ऑफ द पेन इनसाइड एंटायर पेपर. मतलब कि पूरे पेपर के अंदर आपको सिर्फ ब्लू ब्लैक को ही इस्तेमाल करना है, और डायग्राम स्ट्रिक्टली पेंसिल के साथ ही करना है. दूसरी एक चीज़ कि जब भी फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का पेपर लिखते रहोगे, या तो साइंस के अंदर जो आपका केमिस्ट्री पार्ट आएगा, वहाँ पे जो इक्वेशंस रहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशंस कुछ इस तरह लिख रहा हूँ CH4, तो मेरे को हमेशा उसका नाम नीचे लिखना है कि CH4 मींस मीथेन. उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं आना है CH4. फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ CH4 प्लस Cl2, दैट इज़ द क्लोरीन. सो आई हैव टू राइट दिस नेम, इट गिव्स 2, देन आई हैव टू राइट H हियर, एंड दिस इज मिथाइल क्लोराइड. सो व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे को इनके नाम भी लिखने हैं. तो जब भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वगैरह लिखोगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर्स बना के आपको छोड़ नहीं देना है, आपको उसके नाम भी लिखने हैं. जैसे कि ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, ये मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है. तो दिस विल हेल्प यू आउट. तो आप लोग को इसके नाम लिखने हैं. दूसरी एक चीज़ कि अगर आप साइंस वगैरह या तो फिजिक्स है उसके अंदर आप लोग न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के अंदर भी होते हैं, साइंस के अंदर भी सम्स होते हैं, उसके क्वेश्चन आपको आ गया, तो सबसे पहले एक चीज आपको करनी है कि डेटा लिखना है, गिवन डेटा क्वेश्चन रीड करना है सिंपली. फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी का कुछ दिया हुआ है तो वेलोसिटी वी इज इक्वल टू दिस मच. फॉर एग्जांपल आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको आर इज इक्वल टू दिस मच. मतलब कि जो भी गिवन डेटा रहेगा दैट यू हैव टू राइट हियर. तो डेटा बनाना है, उसके बाद में फॉर्मूला जो भी रहेगा उसका, सो फॉर्मूला उसका, फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर. यहाँ पे एक आप चीज करोगे कि आपका जो भी फॉर्मूला रहेगा उसको एक बॉक्स बना देना है आपको. सो ये फॉर्मूला डेट, मान लीजिए आपको सम नहीं भी आता है, हो सकता है कभी कभी के एग्ज़ाम में जो सम आपको पूछ लिया वो आपको नहीं भी आता है, लेकिन अपने को तो रीड करके डेटा लिखने को तो ज़रूर आता है. तो हम लोग क्या करेंगे, सम को रीड करेंगे, उसके अंदर सिंपली लिखा ही रहेगा रेजिस्टेंस इज दिस मच, वोल्टेज इज दिस मच, करंट इज दिस मच. तो डेटा जो गिवन डेटा है वही लिखना है. यहाँ पे लिखना है टू फाइंड, मतलब कि क्या फाइंड करना है वो लिखना है. मतलब कि गिवन डेटा टू फाइंड फॉर्मूला, इतना लिखने का भी आपको मार्क्स मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क का प्रॉब्लम है तो यू विल गेट 1 मार्क. सो बेटर टू राइट समथिंग, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखना ही है. मतलब सम नहीं भी आता है तो उसके गिवन डेटा लिख के आना है, टू फाइंड या तो फॉर्मूला, एंड देन वर्कआउट के ये फॉर्मूला के अंदर ये सारी वैल्यूज अप्लाई करनी है, दैट विल कंसिस्ट 1 more mark. सो ऐसे 2 मार्क आपके यहाँ पे डिवाइड होते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये डेटा, टू फाइंड, फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी है. नाउ इफ टाइम परमिट्स, वट आई विल से कि जब पेपर ख़त्म हो जाता है और अगर आपके पास टाइम बचता है पूरा पेपर एक बार रीड करने के बाद, पूरा पेपर एक बार रिवाइज तो करना ही है, लेकिन इफ टाइम परमिट्स, जैसे कि ये क्वेश्चन 1 का A का फर्स्ट, सो वट आई विल डू, जो फर्स्ट एंड सेकेंड है उसके बीच में एक लाइन बना दूंगा मैं, वो सेपरेट हो गया. यहाँ पे क्वेश्चन 2 और 3 के बीच में एक लाइन बना दूंगा. सो ये सारी चीज़ें मेरे पेपर के अंदर क्या करेगी, और क्लीननेस वगैरह दिखेगा, पेपर एकदम नीट क्लीन दिखेगा, एंड चेक करने वाले के लिए बहुत ही आसान रहेगा उसको चेक करना. सो अगर ये टाइम परमिट हो रहा है तो बाद में मैं अपने सारे क्वेश्चंस को ऐसे पूरे सारे आंसर्स को ऐसे सेपरेट आउट कर दूंगा. नाउ दी कमिंग के फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 2 सामने छोड़ा हुआ है,
टाइम बचा हुआ है, विल राइट समथिंग, ऐसे ही उसको छोड़ नहीं देना है, कुछ ना कुछ, एक लाइन दो लाइन जितना भी आता है, बिकॉज अगर एक लाइन भी लिखते हो या तो दो लाइन लिखते हो, मे बी यू विल गेट हाफ एन मार्क, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, मतलब कि आधा मार्क भी कहीं ना कहीं आके राउंड ऑफ होके वो एक मार्क हो सकता है. सो बेटर के वो पूरे को छोड़ नहीं देना है, वहाँ पे जितना आता है वो टॉपिक के ऊपर आपका जो भी नॉलेज रहेगा, दो चार लाइन, तीन लाइन, पांच लाइन, उतना आपको लिख के आना है. तो जो भी ऑप्शंस रहेंगे उसको एट द एंड सॉल्व करने, उसके लिए जगह भी रख देनी है पहले से ही. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन वन का फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ किया उतना ही आता है, क्वेश्चन टू शुरू कर दिया, फिर क्वेश्चन थ्री भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया, और उसके बाद में फिर से क्वेश्चन वन लिख के उसका जो नहीं आता था वो शुरू किया. तो ऐसे अपने पेपर को मैसी नहीं बनाना है कि एग्जामिनर ढूंढता ही रह जाए कि आपने ये इसका पहला कहाँ किया, इसका दूसरा क्या किया है. सो बेटर जितना आता है उतना लिखो, नहीं आता है या तो थोड़ा बहुत डाउट है उसके लिए अप्रोप्रिएट जगह छोड़ दो. यू विल बी नोइंग कि कितनी जगह छोड़नी है. फॉर एग्जांपल अगर वन स्टेटमेंट है, यू नो कि एक लाइन छोड़ना है वन स्टेटमेंट के लिए, मैं बोलूँगा एक छोड़ना है, वहाँ पे चार लाइन छोड़ दो, दो तीन लाइन एक्स्ट्रा ही छोड़ो. तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट जगह छोड़ देनी है. अगर मान लीजिए टाइम मिलता है, एकदम टाइम खत्म हो गया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जगह के ऊपर कैंसल्स कर देने एट दी एंड, जब भी पेपर सबमिट करोगे. और अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 मिनट भी बचा है, व्हाट आई विल सजेस्ट कि कुछ ना कुछ लिखो उसके ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर आपका जो भी नॉलेज रहेगा, राइट दैट मच, यू विल गेट हाफ एन मार्क. या हाफ मार्क का बेनिफिट कहाँ पे होगा, फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री, जब भी आपका मान लीजिए कि ये 40 मार्क का पेपर है, ये 12 मार्क का, ये 14 का और ये 14 का, ऐसे मान लीजिए इसको आप में 12 में से आपको इसमें 10 मार्क्स मिले, मान लीजिए यहाँ पे आपको 10.5 मार्क मिले और यहाँ पे आपको 10 मार्क मिले. सो अल्टीमेटली आपको 40 में से 10 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 10, 30 एंड हाफ, दैट विल बी 31. सो ये हाफ मार्क भी जो आपको था वो राउंड ऑफ होके एट दी एंड एक मार्क बन गया. तो मान लीजिए कि आपके जो 6 पेपर्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट की एग्जाम होती है, इससे सिर्फ आप एक एक मार्क भी ज़्यादा लेके आओगे तो अल्टीमेटली योर रिजल्ट विल बी इंक्रीज बाय एटलीस्ट 2%, मतलब 10-12 मार्क तो ऐसे ही आपके बढ़ जाएंगे. मतलब कुछ ना कुछ लिखना है आपको, वो टॉपिक के बारे में जो भी आपके पास नॉलेज रहेगा वो अगर आप लिख दोगे तो आपका सीधा 2% का इंक्रीमेंट आ जाएगा. बेसिकली मान लीजिए कि आपका टारगेट रहेगा 80%, सीधा वो 82 पे जंप कर देगा. मान लीजिए आपको 79 आना था, वो 70s की सीरीज में था, 79 विल गो टू 81, 80s की सीरीज में आ जाएगा. 79 दिखने में अपने को बहुत कम लगता है, 80 प्लस आ गया, 81 बहुत अच्छा लगता है अपने को. सो बेसिकली व्हाट आई विल से कि वो हाफ हाफ मार्क जो रहेगा वो भी काउंट होता है एंड अल्टीमेटली वो राउंड ऑफ होके 1 मार्क हो ही जाता है. सो बेटर टू राइट समथिंग rather than writing nothing. So कुछ ना कुछ लिखना ही है, something is always better than अजीबात का ही नहीं. So कुछ ना कुछ तो लिखना ही है अपने को. उसके बाद में now I will come across के ये तो पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, सबसे बड़ा एक चीज़ हो गया कि पेपर ख़त्म होने के बाद सेंटर पे खड़े रह के आपके दोस्त लोग के साथ एक एक घंटा पेपर को डिस्कस बिल्कुल भी मत करिए. 5 मिनट किसी को मिलना है, फ्रेश होना है, हो लीजिए, गो टू योर होम and have your food, आपका food वगैरह जो भी रहेगा, खाना रहेगा, वो ख़त्म करके have a sound sleep, एक घंटा आराम से सो जाइए. तो जब भी आप उठोगे तो you will be like very fresh. वही पेपर जो ख़त्म हो गया उसको revise मत करते रहिए कि इसमें ये आएगा, इसमें ये लिखते तो ये होता. So definitely बहुत अच्छी चीज़ है रिवाइज करना, लेकिन वो नेक्स्ट डे की एग्जाम का टाइम आपका खा रहा है. सो बेटर स्टार्ट विथ दी नेक्स्ट डे का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन. अभी आप लोगों को थ्रू आउट दी बोर्ड एग्जाम आई विल सजेस्ट के बिल्कुल भी हैवी फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब अवॉइड कीजिएगा. जितना हो सके मैक्सिमम फ्रूट जूस या तो फ्रूट वगैरह उसको कंज्यूम करिएगा. दैट विल कीप योर सेल्फ फ्रेश. आप लोग को बहुत ही ताजगी का अनुभव होगा फ्रूट वगैरह से. और साथ ही साथ में आपको अभी हॉलीडेज कभी कभी रहता है, जैसे कि एक पेपर है, 2 दिन का हॉलीडेज है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो भाई आज एग्ज़ाम से घर पर आ गए, कल तो छुट्टी है, कल करेंगे, आज पूरा दिन आराम, आज तो एग्ज़ाम लिख के आए हैं हम. तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए. ठीक है, आप आराम कर लीजिए, आप थके हुए रहेंगे तो 2 घंटा 1 घंटा नींद कर लिया, एटलीस्ट शाम को 6:30 बजे से आप नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए. एटलीस्ट वो दिन इवनिंग को 2 आवर्स तो एटलीस्ट देना ही देना है आपको. उसके बाद हॉलीडेज अभी बहुत से लोग को रहता है कि भाई कैसे प्लान करें, एग्जाम के बीच में 2 दिन की छुट्टी आती है. सो यहाँ पे एक
प्रॉपर बहुत ही अच्छा प्लान है जिसको काफी लोगों ने अडेप्ट किया हुआ है और काफी एक्सपर्ट्स निकले हैं ये प्लान को अडॉप्ट करने के बाद. उन लोग ने अपना जो हॉलीडेज है वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है. सो आई एम शेयरिंग दैट प्लान विथ यू कि हॉलीडेज जब भी रहेगा, जैसे कि एग्जाम में 3 दिन का छुट्टी आ गया आपको कि आज एग्जाम है और बाद में 3 दिन की छुट्टी है, नेक्स्ट एग्जाम 3 दिन के बाद में है, तो आपको क्या करना है? जैसे कि छुट्टी का दिन है तो आप लोग उठोगे सुबह को, तो अभी आपका ये प्लान कुछ इस तरह होना चाहिए कि 6:30 सुबह को उठ जाना है आपको. 6:30 को उठने के बाद 6:30 to 7 कंप्लीट योर ऑल योर डेली रूटीन्स, मतलब कि आपका नहाना रहेगा, वर्शिप रहेगा, भगवान को वो सब ख़त्म करना है. आधे घंटे में आपका जितना भी डेली रूटीन्स है उसको ख़त्म कर लेना है. 7 बजे से लेके 7:15 तक 15 मिनट स्ट्रिक्टली फॉर दी योगा एंड मेडिटेशन, आँख बंद करके अपने आप को समय देना है. सो स्ट्रिक्टली फॉर दी मेडिटेशन. ये मेडिटेशन में भी आपको क्या करना है, अपने आप को बोलना है कि मैंने पास्ट में जो भी गलती की है, आई विल नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन, आई विल कीप माई सेल्फ काम. अगर आपको बहुत गुस्सा आता है बोलना है मैं आज पूरा दिन मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मैं अपने आप को शांत रखने का कोशिश करूँगा या करूँगी. देन आई विल कीप अवे माई सेल्फ फ्रॉम सच एंड सच थिंग्स. अभी ये सच एंड सच थिंग्स क्या होता है, आई विल कीप अवे माई सेल्फ फ्रॉम सच एंड सच थिंग्स. जैसे कि कोई कोई लोग रहते हैं FB पे एक अच्छी सी फोटो अपलोड कर दी, फिर हर 15 मिनट में देखेंगे कितने लाइक्स आ गए भाई, हर 15 मिनट के बाद मोबाइल उठाएंगे देखेंगे कितने लाइक्स मिल रहा है मेरे को. सो अपने आपको बोलना है कि आई विल कीप अवे माई सेल्फ फ्रॉम फेसबुक. सो जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका ध्यान विचलित कर देती है, ऐसी कोई भी चीज़ रहेगी तो आपको बोलना है अपने आप को कि टुडे आई विल कीप अवे माई सेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. मतलब अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को, मिस्टेक्स और कोई करता है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स किसी से इससे होती ही नहीं है, मिस्टेक्स हर किसी से होती है, लेकिन अपने आप में ध्यान क्या रखना है कि मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है, मतलब कि वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए उसका ध्यान रखना है. सो आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक्स अगेन. सो 15 मिनट अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देना है कि नहीं, आई एम दी बेस्ट, आई एम फुल ऑफ दी पॉजिटिव एनर्जी, आई विल कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दी नेगेटिव थॉट्स. दुनिया चाहे मेरे को कुछ भी बोले, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन माई दी स्टडीज, आई विल नॉट डाइवर्ट माई माइंड टुवर्ड्स एनी अदर थिंग. अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है. सो आपको 15 मिनट 7 बजे से लेकर 7:15 तक अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है. देन 7:15 to 7:30 कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट. बहुत कम टाइम है 15 मिनट, लेकिन एग्जाम्स को ध्यान में रख के जस्ट 15 मिनट्स कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट. देन 7:30 यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट विथ योर स्टडीज. 7:30 to 9:30 आपको सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं, जैसे कि फॉर्मूलाज हो गई या तो फिर आपको कोई मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है. सो 2 hours ऑफ दिस स्टडी, मॉर्निंग स्टडी, योर माइंड विल बी वेरी मच फ्रेश. ये टाइम पे आपने जो स्टडी किया रहेगा वो आपके माइंड में बहुत जल्दी से जाएगा, आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहा होगा और जल्दी से ये सारी चीज़ आप अडॉप्ट कर पाओगे. तो ये 2 hours की आपको स्टडी करनी है. देन 2 hours की स्टडी हो गई, उसके बाद में अगेन 30 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, रिलैक्स होना है, फ्रूट या तो फ्रूट जूस वगैरह कंज्यूम करना है. एंड 7:30 to 9:30 की स्टडी, 9:30 to 10 ये आधा घंटा आप अपना रिलैक्सेशन करोगे, फ्रूट जूस कंज्यूम करोगे, घर में ही आपको थोड़ा वॉकिंग करना है, तो 30 मिनट आपका माइंड एंड बॉडी बोथ विल गेट रिलैक्स, आपकी माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएगी. देन एग्जैक्टली एट 10:00 to 1 3 hours. जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग एग्जाम 10 to 1 होता है या तो 11 to 2 होता है, एग्जाम राइटिंग टाइम बोर्ड का यही होता है जनरली. तो ये जो 3 hours है 10 to 1 ये टाइम में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. तो आपकी बॉडी भी क्या है, ये टाइम के साथ एडजस्ट हो जाएगी कि हाँ ये समय में मेरे को लिखना है, 10 to 1 मेरे को लिखना है. सो 10 to 1 में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हर टाइप के 2-2 सम सॉल्व कर लिए या तो फिर प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर सॉल्व किए, प्रीवियस राइटिंग स्पीड आपको पता चलेगी, एक आध स्पेसिमेन पेपर उठाया जैसे कि मार्च 2013 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया. सो यू विल कम अक्रॉस द पेपर पैटर्न के पेपर पैटर्न कैसा होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो पेपर खत्म होता है कि नहीं होता है. सो ये टाइम 10 to 1 का जो स्ट्रिक्टली टाइम है उसके अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है. सो आपका बॉडी भी जो रहेगा वो ये टाइम के साथ एडजस्ट हो जाएगा एंड रियलिटी जब आप एग्जाम लिखोगे आपको कुछ नया नहीं लगेगा. सो 10 to 1 में राइटिंग प्रैक्टिस. देन अगेन कम टू द लंच ब्रेक, 1 to 1:30 लंच ब्रेक. 1 to 1:30 आप लंच ब्रेक ले लोगे एंड देन आफ्टर लंच 1:30 से लेके 2:30 यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ. आप सोना है तो सो सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन करना है कर सकते हो. आई विल सजेस्ट थोड़ा आराम कर लेना जरूरी है यहाँ पे. सो 1:30 to 2:30 विल बी योर स्लीपिंग टाइम और चाहे आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा 1:30 to 2:30. देन 2:30 to 4:30 ये 2 hours.
2:30 to 4:30 आपको 2 घंटे का जो टाइम रहेगा वहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, या तो 2-2 मार्क के सम्स रहेंगे मैथ्स के, या तो 3-3 मार्क के सम्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर के 4 बोर्ड पेपर उठा लिए, मार्च अक्टूबर ऐसे, मतलब 4 ईयर्स का उठाओगे तो 8 बोर्ड पेपर मिल जाएगा आपको, ये 8 बोर्ड पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लेने हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, वो सारे के ऊपर ये 2 आवर्स में फोकस करना है। मतलब कि आपको 2:30 to 4:30 में छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है उसको खत्म करना है। देन 4:30 to 5 दैट इज टी टाइम, आप विथ सम नाइस म्यूजिक, आपको जो भी म्यूजिक अच्छा लगता है आप अपने आप को टी टाइम में रिलैक्स कर सकते हो। देन 5 to 6 हियर यू विल बी टायर्ड, पूरे दिन का स्टडी कर रहे हो तो आप यहाँ पे आपको टायर्डनेस लगेगा, लेजीनेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं अभी बंद कर दे, अभी पढ़ना नहीं है। तो ये टाइम पे व्हाट आई विल सजेस्ट के डू डायग्राम्स, कि जैसे कि मैप स्टडी कर लिया मैंने तो सच जो डायग्रामेटिक ग्राफ स्टडी कर लिया, मैथ्स के जो बच्चे हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा चैप्टर है जिसके अंदर पूरा ग्राफिकल्स वगैरह व्यूज होता है वो स्टडी कर लिया, साइंस के बच्चे लोग ने डायग्राम स्टडी कर ली, इसके अंदर ज़्यादा कुछ याद रखने जैसा या माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा ऐसा होता नहीं है, डायग्रामेटिक स्टडी ये टाइम पर कर लेने की। देन आई विल सजेस्ट कि 6 से 7 आप अपने आप को घर से बाहर निकालो, मतलब कि 4 दीवार के अंदर बैठ के नहीं रहना है, 6 से 7 इवनिंग वॉक के लिए जाना है। स्पेशली हियर आई विल रिकमेंड दी ऑल दी पेरेंट्स, या तो फिर कोई एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स रहेंगे उसको मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ हेल्प योर स्टूडेंट, योर किड एंड गो विथ देम, उनको अकेले मत जाने दो, उनके साथ वॉक के ऊपर जाओ इवनिंग वॉक पे, और यहाँ पे आप उनको एक हेल्प कर सकते हो, जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बुक आपने अपने साथ में ले लिया, वॉक करते रहना है साथ में, जैसे कि मैथ्स की फॉर्मूला साथ में आपने उसको पूछ ली रास्ते में, यहाँ पे आपको नहीं भी आता रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये कोई मायने नहीं रखता है, आपने एक किताब अपने साथ में एक छोटा सा पन्ना हाथ में ले लिया है एंड यू आर आस्किंग व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एंड योर किड विल रिप्लाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड तो यहाँ पे क्या है इवनिंग वॉक भी हो जाएगा, बच्चा फ्रेश भी हो जाएगा, बाहर की हवा में भी घूम लेगा, और साथ साथ में उसका फॉर्मूलाज या तो छोटे छोटे फिलअप्स वगैरह उसका रिविजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इवनिंग वॉक के साथ ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। तो मैं पेरेंट्स को खास यहाँ पे अपील करूंगा कि इवनिंग वॉक के ऊपर उनके साथ जब भी छुट्टी का दिन रहे, 2 छुट्टी 3 छुट्टी तो उनके साथ जाया करें, उनका माइंड चेंज हो जाएगा, पूरे दिन जो घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं उससे उनको डाइवर्जेंस मिलेगा और साथ साथ में रिविजन भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेरेंट्स लोग को खास बोलूंगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने 4-5 फॉर्मूला पूछे, आपके बच्चे ने उनका सही जवाब दिया, अप्रिसिएट देम, जैसे कि 4 फॉर्मूला वेरी गुड करेक्ट नाइस ऐसे उनको अप्रिसिएट करो, दिस विल बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बूस्ट अप हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ मेरे को आता है। सो इवनिंग वॉक 1 आवर का रखना है, और वहां पे भी आपको इवनिंग वॉक बाहर घूमते घूमते वो छोटा सा फॉर्मूलाज है या तो फिलअप से उनका रिविजन हो जाएगा। देन 6 to 7 इवनिंग वॉक खत्म हुआ, कम टू होम 7:30 रिलैक्स हो जाओ, आधा घंटा आप चेंज कर लो, एंड 7:30 to 9:30 हियर आई विल से जितना आता है उसका एक क्विक रिविजन करना है। प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक हियर, यहाँ पे आपको कोई न्यू टॉपिक शुरू नहीं करना है। सो रादर देन स्टार्टिंग न्यू टॉपिक आई विल सजेस्ट के जितना आता है उसको फिर से रिवाइज करो। मान लीजिए कि आपको एक न्यू टॉपिक शुरू करके उसको ख़त्म करने के अंदर 2 आवर्स लगता है, वही 2 आवर्स के अंदर आप 10 जो आते हैं वो टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे। सो एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन पहले कोई नया टॉपिक शुरू मत कीजिए। सो इसमें आपको क्या करना है, 7:30 to 9:30 PM का जो टाइम रहेगा वहाँ पे सिर्फ रिवाइज करना है, क्विक ग्लांस, मतलब कि एक अच्छे से एक बार देख लेना है जो भी आता है उसको। 9:30 स्ट्रिक्टली अर्ली डिनर ख़त्म करना है, रात को 11:30 को डिनर नहीं लेना है, 9:30 को डिनर कंप्लीट करना है। देन आई विल से अरेंज योर किट ऑन दैट नाइट ओनली, मतलब कि सुबह को जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तभी आपको सब समेटना ना पड़े, हॉल टिकट अच्छे से है कि नहीं देख लिया, सारी पेन वर्किंग है कि नहीं देख ली, मतलब कि वो आधा घंटा आपको 9:30 to 10 डिनर लेने के बाद 10 to 10:30 आपको ये कर लेना है कि आपकी सारी चीज़ें ऑन दी प्लेस है कि नहीं, हॉल टिकट वगैरह या तो पेन्स वर्किंग है कि नहीं, ये सारी चीज़ों आपको चेकआउट कर लेनी है। एंड देन पूरे दिन से तो इतना स्टडी करके टायर्ड हो गए, आई विल से 10:30 बजे आराम से बहुत अच्छी नींद आ जाएगी और बहुत
लोग को होता है कि एग्जाम के अगली रात पूरी टेंशन में जाती है, सो नहीं पाते हैं, या पूरा रात भर ऐसा नींद खुल जाती है एक एक घंटे के बाद के कल क्या होगा कल क्या होगा। यहाँ पे आप उठ ही नहीं पाओगे, मतलब कि सीधा आपको 6 बजे ही आँख खुलेगी, तो 10 to 6 या तो 10:30 to 6 इतनी जो नींद है दैट विल बी इनफ। मतलब 8 आवर्स बेसिकली 7:30 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप भी हो जाएगी, और मॉर्निंग फिर 6 बजे उठ के आपको फिर से एक बार जो रात को 2 घंटा रिवाइज किया था वैसे भी सुबह को 2 आवर्स रिवीजन कर लेना है। और आई विल से के एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे पहले 1 आवर बिफोर प्लीज रीच दी सेंटर, सो सेंटर पे आपको 1 आवर बिफोर पहुंच जाना है, एंड एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन फियर ये सोच लिए बिना लाइक अ नॉर्मल पेपर, जैसे हम नॉर्मल पेपर लिखते हैं वैसे ही आपको अपना नॉर्मल पेपर लिखना है। सो आई विल से वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगेन वन थिंग, CBSE 12th जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए CBSE मैथ्स के ऊपर, CBSE मैथ्स क्या होता है, NCERT रिफर करें क्या करें, तो आई विल से के 20 मार्च को एग्जाम है, 3 दिन की छुट्टी भी है। सो बेसिकली ये जो मैंने अभी टाइम टेबल दिया है उसके अंदर अगर आप देखोगे अच्छे से गौर करोगे तो आपकी देखिए तो सुबह को 2 आवर्स की स्टडी होती है, उसके बाद में आप 3 आवर्स राइटिंग वर्क करते हो मतलब 5 आवर्स की स्टडी, लंच ब्रेक एंड आफ्टर 1 आवर ऑफ स्लीपिंग अगेन 2 आवर्स की स्टडी करते हो 7 आवर्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए 1 आवर देते हो उसको अगर नहीं भी गिने, इवनिंग वॉक के लिए जाते हो उसको भी नहीं गिने, तो रात को इवनिंग वॉक के आज भी आप 2 आवर्स की स्टडी करते हो, 9 आवर्स की स्टडी होती है। एंड 9 आवर्स की स्टडी भी कैसे अरेंज की गई है, तो बीच में काफ़ी ब्रेक आ रहे हैं, जैसे कि सुबह को जैसे ही उठे ऐसे मेडिटेशन ब्रेक, उसके बाद में जैसे ही 2 आवर्स की स्टडी खत्म किया वैसे ही जूस का ब्रेक, उसके बाद 3 आवर राइटिंग वर्क खत्म किया वैसे ही लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के बाद 1 घंटा आराम से नींद ले लो, उसके बाद में जैसे ही फिर से 2 आवर्स की स्टडी किया तो ऐसे ही टी ब्रेक विथ म्यूजिक, उसके बाद में फिर से 1-1.5 घंटा डायग्राम्स ग्राफ वगैरह किया, फिर से 1 आवर का इवनिंग वॉक, तो बीच बीच में काफ़ी ब्रेक्स भी आ रहा है। इस हिसाब से इसको अरेंज किया गया है कि आप पर्टिकुलर सिर्फ पढ़ाई 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 ऐसे नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 7 to 8 आवर्स की स्टडी दिन में हो रही है, तो अगर 3 दिन की छुट्टी है तो यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 25 आवर्स, 24 to 25 आवर्स टू स्टडी, तो ये 25 आवर्स। और एग्जाम जिस दिन आपकी जो प्रीवियस एग्जाम खत्म हो रही है उस दिन की इवनिंग और जिस दिन एग्जाम है उस दिन की मॉर्निंग, अगर ये दिन का भी 2-2 आवर्स गिनेंगे तो 30 आवर्स करीबन आपकी अप्रोक्सीमेट स्टडी हो सकती है अगर आप अच्छे से इसको मैनेज करोगे तो। अभी NCERT रिफर कर सकते हो, इट इज़ द वेरी नाइस बुक। उसके बाद में आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर सॉल्व करने हैं, और साथ में मैं रिकमेंड करूँगा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन कि जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वजन देना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग रहेंगे, और साथ ही साथ में वो लेंथी भी बहुत कम रहेंगे, मतलब कि विद इन जैसे कि सिर्फ 5 लाइन का सॉल्यूशन है 6 लाइन का सॉल्यूशन है, मतलब कि आप बहुत ही कम समय में उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप ग्रैब कर पाओगे। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, तो 2 और 3 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है या तो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर है उसको उसके ऊपर आपको क्या करना है, तो कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि इकोनॉमिक्स है ये चैप्टर नहीं आता है तो पूरा चैप्टर जैसे कि पूरा छोड़ दिया। आई विल सजेस्ट कि पूरा चैप्टर चलो नहीं आता है पूरा, जरूरी नहीं है कि 10 लेसन है तो 10 के 10 आते हो, 7 आते हैं तो बाकी जो 3 नहीं आते उसका ऑब्जेक्टिव कर लो, या तो फिर उसके अंदर से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लो, या तो सिर्फ एक ही बड़ा आंसर करो जो ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में पूछा हो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में। सो यहाँ पे आप ऐसे अपने आप को हो सकता है कि आपको वो टॉपिक में से वही आंसर आ जाए जो आपने किया हो जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में काफ़ी टाइम पूछा हो, और जनरली होता भी ऐसे है कि जो 4-5 ईयर के बोर्ड पेपर्स होते हैं उसको ही सफल करके वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है तो सिर्फ वैल्यूएशन चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे 3x + 5x रहेगा वहाँ पे 7x + 9x रहेगा, द मेथड ऑफ सॉल्विंग विल बी दिस। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होता है जैसे कि 2 मार्क के क्वेश्चंस है 3 मार्क के क्वेश्चंस है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम अटेंशन देना है। और एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, होली इज कमिंग नियर बाय, सो प्लीज डू नॉट गो फॉर प्लेइंग होली, इट मे हर्ट यू।
आपको कहीं आँख में चोट लग सकती है, कहीं पे स्किन एलर्जी हो सकती है, सो प्लीज़ एग्ज़ाम टाइम पे ये अवॉइड करना. नेक्स्ट ईयर आप चाहे इतना होली खेल लेना, इट इज़ वेरी नाइस फेस्टिवल, लेकिन आपको एग्ज़ाम के टाइम पे प्लीज़ अवॉइड गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स टू प्ले होली. होली खेलनी है तो घर पे आपके जो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उनको एक छोटा सा गुलाल का टिक्का करके भी होली को सेलिब्रेट किया जा सकता है. उसके अंदर जाके पानी के गुब्बारे एक दूसरे को फेंक के एग्ज़ाम टाइम पे अगर कहीं पे आपको लग भी जाता है तो इट विल अननेसेसरीली हर्ट यू एंड आप अपनी एग्जाम्स के अंदर कुछ रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर लोगे. सो बेटर टू अवॉइड गो आउट इन प्लेइंग होली. स्पेशली बोलूँगा फॉर मुंबई पीपल्स, डू नॉट लीन आउट ऑफ द ट्रेन. ट्रेन के ऊपर, ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी गुब्बारे वगैरह फेंका जाता है, तो एग्जाम टाइम में ये सारी चीज़ें अवॉइड करना. हो सके उतना घर पे रह के कॉन्सेंट्रेटेड डेडिकेटेड स्टडी करना. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो दैट इज़ मोर देन एनीथिंग. हार्ड वर्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, बट हियर आई विल से हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना. ये नहीं कि सिर्फ आप पागलों की तरह 15-15 घंटा पढ़ाई कर रहे हो. योर वर्क शुड बी वेरी सिस्टमेटिक वे, क्योंकि एकदम सिस्टम में उसको अरेंज करना. कुछ नया टॉपिक शुरू मत करना, जितना भी आता है उसको अच्छे से रिवाइज करना. बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत आना, कोई टेंशन मत लेना, और अपने आप को जितना हो सके उतना रिलैक्स एंड फ्री रखना, और हो सके उतना अपने आप को एग्जाम्स रिलेटेड थिंग्स के अंदर एंगेज रखते हुए अपनी जो एग्जाम्स है उसको कंप्लीट करना एंड कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. हियर आई से ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम पॉसिबल. बिकॉज अगर मान लीजिए कि आपके घर पे कोई 10th का बच्चा नहीं भी है तो भी आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 5-10 लोगों से जो 10th में 12th में रहे उनसे शेयर कीजिए. बिकॉज अल्टीमेटली ये जिनके भी साथ शेयर करोगे वो इंडिया के ही अपने ही बच्चे हैं, एंड दे आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, दे आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया. सो प्लीज हेल्प आउट देम. एंड पेरेंट्स को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नेवर अंडर एस्टिमेट योर किड. अगर उनको 2-3 मार्क कम भी आ जाते हैं तो भी उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगा एंड देन आई विल फिनिश एंड आई विल ओवर टू द जानवी. सो इंसिडेंट सिर्फ यही है कि एक बच्चे को 10th का रिजल्ट आ गया एंड देन बच्चे को अभी पता नहीं है कि मेरा रिजल्ट क्या आया है. मम्मी पापा उनको अपनी सिटी की सबसे बड़ी से बड़ी रेस्टोरेंट में लेके गए. मीडियम फैमिली से बच्चा बिलोंग कर रहा था, उसको भी मतलब कि एकदम ताजुब सा लगा कि आज इतनी बड़ी होटल में मेरे को पापा लेके आए. बच्चों को पूछा, बोल बेटा तेरे को क्या खाना है, उसको सारी चीज़ें खिलाई, और उसके बाद में पापा ने उसको प्यार से बोला, बेटा तू SSC में फेल हो गया है. सो बच्चा लाइक के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई पूरी. पापा ने बोला, कुछ नहीं बेटा, ये गलतियाँ दोबारा रिपीट मत करना, अपनी जो फेलियर है उसको भी सेलिब्रेट करना सिखा वो बच्चे ने. एंड वो बच्चा मतलब कि अगर मैं उनका नाम बोलूँगा तो आप लोग को भी ताजुब लगेगा, वो बच्चा और कोई नहीं बट द लीजेंडरी लिविंग एक्टर अनुपम खेर साहब. वो बच्चे, उन्होंने अपनी फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करना सीखा. तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि प्लीज़ नेवर अंडर एस्टिमेट योर किड. मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे उनको 1-2 मार्क्स कम भी मिलते, 2% कम भी मिलते, हो सकता है उनको 85 का 83 मिला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आगे नहीं आएंगे लाइफ में. 83 लाने वाले बच्चे भी लाइफ में आगे आते हैं और 70% लाने वाला बच्चा भी लाइफ में आगे निकलता है. सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, लाइफ इज फुल ऑफ एग्जामिनेशंस. मतलब कि ये सिर्फ आपके बच्चे को जज करने का एक जरिया नहीं होना चाहिए कि इसी के बेसिस के ऊपर आप अपने बच्चे को जज कर रहे हो या तो कंपेयर कर रहे हो कि देख बाजू वाले को तो 87 मिला है, तेरे को सिर्फ 81 आया है. प्लीज नेवर अंडर एस्टिमेट योर किड. सो रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, प्लीज नेवर अंडर एस्टिमेट योर किड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पॉसिबल पीपल. एंड प्लीज 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 शेयर दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू द जानवी पंड्या चैनल. हियर आई विल से थैंक्स टू जानवी पंड्या फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कम अक्रॉस सच अ बिग प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग माई थॉट्स विद एवरीवन. सो थैंक यू जानवी पंड्या फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एंड गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच. अब पता चलता है कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा प्रोफेसर का एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा
हमें सिखाता है एंड आई कैन नॉट बिलीव. आई थिंक बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मुझे खुद को नहीं पता थी, ऑल्दो मैंने मेरी बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं. सो आई होप दैट इट हेल्प्स यू गाइज, और इसको शेयर कीजिए. और बहुत लोग मुझे यही बोलते हैं कि क्योंकि मैडम आप अंग्रेज़ी में बोलती हो इसके लिए आप आपको अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, बट इट्स नॉट ट्रू. देख लिया हमने कि मोर देन लैंग्वेज इट इज़ द कॉन्टेंट दैट यू नो. और मुझे अभी रिसेंटली मैंने किसी से बात की तो उस लड़के ने मुझे बोला, उस लड़के को बहुत मुश्किल से इंग्लिश आती है लेकिन उसने HSC बोर्ड एग्जाम में 94 स्कोर किया. तो मैंने बोला ऐसा कैसे, तो उसने बोला इट्स नॉट अबाउट द इंग्लिश दैट यू आर स्पीकिंग, इट इज़ अबाउट द कॉन्टेंट. उसको कॉन्टेंट अच्छे से आता था क्योंकि इसको लीफलेट है तो उसको इस प्रकार से लिखना है. कम इंग्लिश अगर आपको आती भी है, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा कि फॉर ISC इंग्लिश हाउ वॉट इज़ द काइंड ऑफ वोकेबुलरी यू नीड टू नो. वोकेबुलरी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम देने के लिए, आप सिर्फ कंटेंट. वोकेबुलरी अच्छा है अगर आप जाने क्योंकि वो आपको लाइफ में काम लगती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मत सोचिए कि क्योंकि मेरी वोकेबुलरी कम है, क्योंकि मुझे कम इंग्लिश आता है इसलिए मुझे कम मार्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं है. बहुत लोगों की बहुत अच्छी इंग्लिश होती है और फिर भी कुछ लोगों जिनको कंटेंट और उनको एग्जामिनर को क्या चाहिए वो पता है, वो लोग ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं. और आई एम श्योर इस सेशन के बाद सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे लिखना है पेपर और कैसे आगे बढ़ना है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सौरभ जी कि उन्होंने इतना टाइम दिया एंड 44 मिनट्स ऑफ फ्लॉलेस स्पीकिंग. सो आई होप इट हेल्प्स यू गाइज एंड डू शेयर. थैंक यू.